थोड़ा पीछे है। अखिल भाई किधर गया? हाँ बोलो ना भाई। महबूब भाई यार माइक का देखो ना, माइक का भाई लगाऊंगा भाई। अरे यार कसम कोई क्या है, तुम्हारे आदमी को बोला था ये सारे सिस्टम लेके आओ। क्या जो फोन करो ना भाई यार, सब तो जल गए। कैंडल है, कैंडल है देश में जिस तरह का माहौल है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? माहौल तो सब अभी एकता का ही है, सब यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको सख्त से सख्त सजा मिले और
ना सिर्फ एक मरबा, सारा दाल सारे फिलके सारे हिंदुस्तानी एक साथ मिल के फुल पब्लिक सपोर्ट यही है कि जिन लोगों ने ये वाक्य किया है, जो शर्मा वाक्य किया है, उन लोगों को सबसे सबसे एज ए ऑडियंस आप सरकार से क्या कहेंगे, किस तरह का उनको एक्शन लेना चाहिए इस इतने बड़े हादसे पर? देखिए एज ए ऑडियंस हमारे यही है कि हम सरकार से यही अपील करेंगे कि जिन लोगों ने ये वाकया अंजाम दिया है उनको सज़ा मिले, और घर में घुस के उन लोगों को भी इसी तरह तबाह किया जाए जिन लोगों ने एक्ट किया, क्योंकि ये लोग जो है इनका कोई दीन नहीं है, इनका कोई मजहब नहीं है, इन लोगों के अंदर दिल नहीं है, जिस हिसाब की बुजदिल करने की जो इन्होंने हरकत की है, और देश से इंडियन आर्मी से सेना से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उनको जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाए। सुनील सर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? बहुत ज़्यादा मेरे साथ साथ हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता को ऐसे कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है, जहाँ पर सुबह शाम हम लोग बोर होकर ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, उन नौजवानों के साथ में, फौजी भाइयों के साथ में गद्दारी के साथ उन पर अटैक किया गया, सीने पे वार हुई, पीठ के पीछे वार किया गया, गद्दारी की थी, और क्या एज थी उनकी, कोई किसी की 18 साल, किसी की 20 साल, किसी की 22 साल, किसी की शादी नहीं हुई, कोई शादी करने जाना था, किसी की दो दिन की बच्ची, किसी की 12 दिन का बच्चा, ऐसे नौजवानों को गद्दारी के तहत उनको मार दिया गया, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हमारे भाई थे, उसमें सब कम्युनिटी के हमारे जवान थे, आर्मी के जवान थे, जिनने किसी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ में इस तरह से गद्दारी, अगर लड़ना ही था तो सामने आके लड़ते, अगर उसमें अगर हमारे फौजी शहीद होते तो उनको प्राउड होता, उनको प्राउड फील करते, आज हमें इतना पश्चाताप हो रहा है कि पीठ के पीछे वार किया है ऐसे गद्दारों को, मुझे लगता है कि हम सब मिलकर आज ये हुआ कि पूरे देश भर में हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, सबकी एक ही मंशा है, सबकी एक ही सबका एक ही विचार है कि बस कुछ भी करके जल्द से जल्द उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, आतंकवादियों को भी और साथ साथ उन गद्दारों को भी जो हमारे देश में रहकर उनके साथ हाथ मिलाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बिना हमारे हिंदुस्तानियों के गद्दारों के सपोर्ट के ये काम हो नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें वो भी गद्दार शामिल है जो हिंदुस्तान के नाम पर कलंक, हिंदुस्तानी नाम पर कलंक है, उनको सजा मिले और तभी हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि उन जवानों के लिए, तब तक तो हम बस इस तरह से कूद कूद के रोते रहेंगे, क्योंकि हर एक को देख के लग रहा है कि जैसे ये फौजी सिर्फ फौजी नहीं थे, वो हमारे घर के मेंबर थे, हमारे अपना कोई रूप से छीन लिया गया, बल्कि तो ये बहुत चीट फील कर रहे हैं, बहुत हमारे में आत्मघात किया गया, आत्मविश्वास ठोकर हो जाएगी, सब धोखा दिया गया। सुनील सर एक दो नहीं 40 सैनिक, 40 से ज़्यादा हैं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इस मसले में फेल रही है, आप कुछ इसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया देंगे कुछ सरकार को मैसेज कोई? मैं तो यही कहता हूँ कि जो सुरक्षा जांच है उसको लोग इतना लाइटली क्यों लेते, पिछली बार में जब कसाब का हमला हुआ था वो भी सुरक्षा जांच की लापरवाही की वजह से हुआ था, इतनी बड़ी बोट वहाँ पर आई कैसे, तो नॉर्मल आदमी जब जाता है बाइक से जाता है, हाँ, देश सवाल कर रहा है कि इतना सारा, अरे रॉन्ग साइड से गाड़ी बाइक वाला जाता है तो उसके तुम लाइसेंस मांगते हो, उसको ये देखे पीते पी के नहीं है, उसके छोटे से अपराध की जब इतनी इंक्वायरी करते हो तो बॉर्डर से बाहर से कोई बंदा आता है कैसे आता है, अगर 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 ये लापरवाही नहीं है तो गद्दारी है, जाहिर सी बात है गद्दारी है, और ये गद्दारी के तहत ही हुआ है, तो हम तो उन दुश्मनों को आतंकवादी को तो ढूंढ के मारेंगे मारेंगे, सबसे पहले इनको फांसी में लटका जिन्होंने देश से गद्दारी की, ऐसी बुरी मौत दो इनको कि उनकी नस्लें और आने वाले पूरे दुनिया को ये सबक मिले कि गद्दारी जो है वो इतनी आसानी से बची नहीं। अली भाई आप भी यही मानते हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है? जाहिर सी बात है, मैं भाई की बात से लोगों को रखता हूँ कि ये जो है किसी ने गद्दारी की है, वरना इतना सारा RDX इतने सब कुछ लेके और वो भी आके सीधा आके घुसा दिया और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, मैंने वीडियो भी देखा, तो ये बिना किसी गद्दार की तो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात ये है कि हमें और ज़्यादा सचेत रहना होगा, और ज़्यादा हम लोगों को होशियार रहना होगा, ना सिर्फ हमें हमारी आर्मी को जो हमारा ध्यान रखती है, आर्मी उनके ऊपर भी एक सिक्योरिटी रहनी चाहिए कि
कि भैया कहाँ जा रहे हैं, उनका जो पूरा काफिला जाता है उसे सबसे पहले हम लोग हमें वो जो बने जो वो उनका पूरा ध्यान रखते हैं कि हाँ भैया काफिला पूरा सिक्योर्ड है, सब चीज़ सिक्योर्ड है, आगे कोई ये ना हो। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हरकत की है उनको सबसे सजा मिलनी चाहिए और जिन्होंने सपोर्ट किया है पहले उन्हें हैंग किया जाए और पब्लिक की शूट किया जाए। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हेलो, बहुत अच्छा कहा और अदालत को सजा मिलनी चाहिए। क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि हम ही में से कोई ऐसा है जो गद्दार है, सबसे पहले तो उनकी जांच हो कि कौन है, किसने उनके बीच साठ हट की है, उनको पहला ख़त्म किया जाए, बाद में जिसने किया है उनका बदला लिया जाए। और बदला बहुत जल्द से जल्द लेना चाहिए और इलेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक कि बदला नहीं होगा, प्रतिक्रिया देंगे इस इतने बड़े सानहा पर जो देश में घटना घटी उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एकता दिख रही है लोगों में, उस एकता की यही ताकत है कि सब एकजुट है और एकजुट का एक अच्छा कहा जाए कि एक रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट यही हो सकता है कि हमारी सरकार और हम सब मिलकर कुछ उसका एक अच्छा निष्कर्ष निकालें और अगले वक्त और अगले समय में ये हादसा ऐसा ना हो हमारे सैनिकों के साथ, हमारे भाइयों के साथ। तो बिल्कुल इससे ज़्यादा और कुछ कहने का मन ही नहीं हो रहा और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा। 2004 के बाद सबसे बड़ी घटना बता रहे हैं इसको, तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें इन्वॉल्यूशन रहा है, कुछ बताएंगे सरकार को, क्या मैसेज देंगे आप? सरकार से मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम लोग को बड़ी आज़ादी से अपने कला जगत में, अपने फील्ड में, जो जिस फील्ड में है ईमानदारी से काम कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि सरकार की उसी ईमानदारी के साथ हम सबको एक कुछ अच्छा नियाम और एक अच्छा कुछ ऐसा रिजल्ट दे जिससे हम सबको एक दम का एक दोबारा ऐसा ना हो। और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हो, 2004 की बात है, कभी उतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अभी उसके बाद जो घटना अभी तक सुनते आ रहे थे उसके बाद जो हमारी आंखों देखी, मतलब कि जो हम न्यूज़ और चैनल और सब कुछ देख रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक घटना। मैं सरकार से यही कहूँगा और लोगों से यही कहूँगा कि हम सब एकजुट ऐसे ही रहें और सरकार वो है कुछ न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि सैनिकों की मौत पर शहादत पे वोटिंग रोटियां सेकी जा रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? और कोर्ट का ये सब बात ही नहीं करना चाहिए, जो ऐसा कर रहा है वो बना कर रहा है। वो या तो कहीं ना कहीं अपने आप को कहने नहीं आता हो या कुछ परोसने नहीं आता हो, तो ऐसी बातें ही नहीं करनी चाहिए। और वोट और इलेक्शन का तो यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं आना चाहिए। क्या आज आप प्रतिक्रिया देंगे इस शहादत के ऊपर? एक आदमी के विचारधारा से ये देश थोड़ा पीछे रखो ना उंगली, और कोई भी एक अपनी विचारधारा लेकर देश चला भी नहीं सकता है। तो हम सब इस चीज़ के लिए दुखी हैं कि जो पुलवामा में हमारा अटैक हुआ है, बहुत ही दुखद घटना है। और कुछ टाइम तक के दो दिन तक तो शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि हम क्या लिखें और क्या कहें। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि दुख और आभार जब एक दिल में कसक बैठ जाती है तो वो कसक सी बैठी हुई है, और उसमें क्या प्रतिक्रिया दी जाए, क्योंकि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, आई थिंक देश के हर एक कोने से हर जवान है, कोई कानपुर से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, तो कोई उड़ीसा से है, हर जगह का बच्चा है, हर देश का एक एक कोने का बच्चा है। तो ये देश में जो आहुति जो शहीद की शहादत मांगी है वो हर जगह से शहादत मांगी है, और इसमें सब लोगों का खून है, इसमें कोई एक प्रांत जात पात किसी का नहीं है, सबका खून है। तो वो खून का बदला हमें चाहिए,
हम इसके लिए आज जमा हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आपको प्रोटेस्ट करना है, बॉर्डर पर जाइए। हम ज़रूर बॉर्डर पर भी जाएंगे और हम अगर हमें परमिशन दी जाए तो हम उसके देश में जहाँ से ये आतंकवादी आते हैं वहाँ पर घुस के भी मारेंगे। कुछ बच्चे यतीम हुए, कुछ माएँ अपनी औलाद खो दी, कुछ दिल दहलाने वाली ये क्वेश्चन होते हैं, तो उनके लिए किस तरह का सपोर्ट करना चाहिए आप उसके बारे में? जिस तरह से बॉलीवुड में अक्षय कुमार ने बहुत ही अच्छा अपना एक मैसेज दिया है, उन्होंने एक अकाउंट डाला हुआ है और उन्होंने चीज़ें और बहुत अच्छा एक फंडिंग की हुई है उनके लिए और बहुत ही नेक काम है। वो हमेशा इस इन चीज़ों में आते हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं और हमारे बॉलीवुड में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे धर्म जात पात के ऊपर नहीं चलते हैं, एकजुट होकर सब लोग साथ में खड़े होते हैं, काम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद देना चाहता हूँ अक्षय जी को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। अनीस सर, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम सब यहाँ पर दुखी नहीं है क्योंकि हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन उससे बड़ी दुख की बात यह है कि हम अपने घर में ही रहते हैं और हम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि जो यहाँ पर घर में ही झगड़ा शुरू हो गया है। तो ऐसा होता नहीं कि अब कोई पड़ोसी अपने किसी घर में मार के जाता तो घर वाले अपने घर के लोगों को नहीं मारने लगते हैं। अभी कल मैंने आज रात में न्यूज़ देखी कि कुछ कश्मीरी भाइयों को हमारे अपने हिंदुस्तान के लोग बिहार में हमारा उनकी जो शॉप होती है उनको हटा रहे हैं। मकसद एकजुट होने का ये भी है यहाँ पर कि हमारी शहादत जो हमारे भाइयों ने कश्मीर में दी वो शहादत बेकार ना जाए। वो शहादत देश के लिए है, देश के प्रेम के लिए है, एकजुटता के लिए दी गई है। अगर आप सच में दुखी हैं तो दुखी का ये मतलब है कि आप अपने अपने घर के लोगों को मार रहे हैं और कई जगह पर ऐसे काम हुए जम्मू में भी कुछ अलगाववादी लोगों ने पत्थर मारा, गाड़ी जला दी गई, कारें जला दी गई। तो ये बाहर की लड़ाई घर में ना शुरू हो और इसलिए सारे बॉलीवुड के तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एकजुटता को दिखा रहे हैं। जैसा कल बिहार में देखा कि वहाँ पर लोगों ने किया, प्रतिक्रिया यही है लोगों से, हमारा निवेदन है कि घर की लड़ाई ना शुरू करें, अपने देश में अमन शांति बनाए रखें। जो जवान शहीद हो गए देश के लिए उनकी शहादत को खराब ना करें। सर, आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक टू ऑल माय सिस्टर टू कम फॉर दिस प्रोग्राम। तो मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितने भी लोग आज ये जो एक हादसा हुआ, ये हादसा हर वो इंसान के दिल में छू गए, हर वो इंसान जो इंसान के दिल में वाकई में सीने में दिल हो वो इंसान सही में अगर महसूस करेगा ये कितने बड़े हादसा थे और ये हादसा भुला नहीं जा सकते हैं। और इतने बड़े हादसा जो हमारे बॉर्डर फोर्सेस है और हमारे जो हम जिसकी वजह से चैन सुकून से सो सकते हैं अपने घरों में, उन जैसे लोगों के ऊपर अगर इस तरह के हादसा होता है तो उसके लिए तो मैं बोलता हूँ हम सब अपने धर्म को भूल जावे, अपने जात को, अपने पाप को भूल जावे और जितने भी लोग हैं हम एक ही झंडे के नीचे आ जावे और एक ही झंडे के तले आने के बाद और इस चीज़ को हम कंडेम करें और इसको पूरी तरह हम कंडेम करें। और ये नहीं जो भाई करने वाला करके चले गए, करने वाला कर दिया लेकिन असल क्या जो असली मुजरिम है वो पकड़ा जाना चाहिए। हादसा तो होता है, हम तो देखते हैं कुछ ना कुछ हो ही रहा है लेकिन उसकी जो आखिर तक जो उसका क्या डिसीशन वो हमेशा पेंडिंग रहता है। तो कहने का मतलब ये जो हादसा हो रहा है उसका हमारी रिजल्ट क्या है और इस तरह के हादसा तक ना हो गए। मैं अपनी सरकारों को एक तो सहयोग की बात करेंगे भाई, हम जो भी हम जिस पार्टी के हैं जिस फील्ड से हैं तमाम फील्ड के लोग में एक साथ होने के लिए बोलता हूँ और इसी साथ ये भी बोलता हूँ और सबको मिलके इस चीज़ के हेलो मैं आजकल
भाई। एक तो यहाँ पे जो चल रहा है अभी वो है तो अलीशा दोषी मानती हैं तो किसको मानती हैं इसके अंदर, जिस तरह से सानहा हुआ, जिस तरह से सैनिक मारे गए? आप बताइए अपना नाम बोलिएगा पहले सीधा माइक। हाँ 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 शैफाली मेरी जीजू भी आर्मी में ही है और अभी कश्मीर बॉर्डर में है वो। जब ये कांड हुआ उसके एक दिन पहले लाइन बंद कर दी गई थी और काफी प्रॉब्लम, 3 दिन मेरी फैमिली में कांटेक्ट नहीं कर पाए हम जीजू से और काफी डरे हुए थे। उस टाइम उनका बर्थडे भी था और हमने जब टीवी में ऐड देखी तो मेरी फैमिली टोटली बहुत रोई, बहुत परेशान थी। तो मेरी मैं वो चीज़ें फील कर सकती हूँ, मैं वो दर्द समझ सकती हूँ कि जिनका बेटा गया है, जिनके पापा गए हैं, जिनकी फैमिली के इतने करीबी लोग, जो माहौल चल रहा है इंडिया में बहुत गलत हुआ है। मे भी इसको गवर्नमेंट को कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को देनी चाहिए कि जो ये अभी जो चीज़ें हुई हैं वो नेक्स्ट टाइम ना कर पाए, इसमें एक्शन लेना चाहिए। उनकी फैमिली या मतलब उनके बच्चे फील कर सकते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, अभी सरकार को चाहिए कि उनकी फैमिली को सपोर्ट करें, या इस तरह का कोई मैसेज आपके पास है जो राजनीति की जगह फैमिली को सपोर्ट किया जाए इस टाइम? अब तो पहली बात तो यही चाहूँगी कि पहली बात आई एम नॉट हैप्पी विद अपनी गवर्नमेंट से, बिल्कुल भी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट से बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर वो इतने ही अच्छे होते तो जो फौजी लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो वैसे भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ मैं वैसे भी, और ऑफकोर्स उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। तो कोई मैसेज देंगी देश को जिस तरह का आज माहौल है? देश को मैसेज यही देना चाहूँगी कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और हमें इसका बदला ज़रूर लेना चाहिए। जितने हमारे जवान मरे हैं उसे डबल उनके मरने चाहिए। थैंक यू। बहुत ही कायराना हरकत है, लोहड़ी की तरह पीछे से बार शेर होता सामने का अटैक करता, अपनी हिम्मत है नहीं सामने वाले। सो मैं गुजार सबसे पहले तो मेरा नमन है उन सब शहीदों को जिनकी वजह से आज हम जीता है, यहाँ आज हम सांस ले रहे हैं, और मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ शहीदों के परिवारों को। मुझे जो बन पड़ेगा भविष्य में मैं उनकी मदद करूँगा। और आतंकवादियों पाकिस्तान जो है उसके अलावा भी कहीं अगर ऐसी कोई कब्रियाँ पनप रही हैं या इस तरह के एलिमेंट्स अली भाई आप जहाँ खड़े हो उधर अली भाई आप आ जाओ। मच्छर की कीड़ों की मौत मारना चाहिए, उसको पैरों के तले रोक दें जिन्होंने हमारा इतना बड़ा डैमेज किया, हमारे फौजियों को, हमारे आत्मसम्मान पे, हमारे देश पे, हमारे तिरंगे पे उनके छींटे फेंके, हमारे आंसू उनके खून से धुलने चाहिए, बस उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। में जो आतंकवादी की गतिविधि है, जो हादसा हुआ है, वो बड़ी दुखद घटना है। हेलो जी, हमारे देश के लिए लड़ते जिनकी वजह से हम चीन की नींद सोते उनके परिवार को मेरे तरफ से श्रद्धांजलि, और मेरे से जो बनता होगा मैं उन लोगों के लिए करूँगा और सभी को करना चाहिए। और इनका जवाब कर्तव्य से देना चाहिए, और अगली बार तो ऐसा करना चाहिए कि जिंदगी में फिर वो हिंदुस्तान की तरफ देख ना सके, ना कोई काम कर सके, ना हिंदुस्तान की तरफ नजरे आ सके, तो इनका जवाब देना चाहिए। और हमारे से जो बनता है वो हम करेंगे। आपसे गुजारिश है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं हम अपने जवानों के लिए मौन व्रत करना चाहते हैं, तो जो भी लोग हैं आप आ जाइए।
देखते हैं। हमारे साथ हमारे भाई अली गुली मिर्जा हैं और बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में इनका, तो प्लीज इंटरव्यू हम थोड़ा 5 मिनट में करेंगे, 1 मिनट जो जिसके लिए सभा करी है वो बातें हम कर ले प्लीज। हाँ तो थैंक यू। अफसोस की बात है, दर्दनाक हादसा हुआ है, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान जो है अमन सुकून और गंगा जमुना तहजीब से रिलेटेड चीज है, जो लोगों की डेथ हुई है वो सब हिंदुस्तानी है, वो चाहे किसी भी कौम मिल्लत के मानने वाले हों, डजंट मैटर। जब कोई मरता है तो हिंदुस्तानी मरता है, ना कोई हिंदू मरता है ना कोई मुसलमान मरता है। हिंदुस्तान को बनाने में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस के लोगों का हाथ नहीं था। एक शेर है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हिंदुस्तान जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का है और रिलीजियस के मानने वालों का है। तो स्टार्ट करते हैं, ओके चलिए स्टार्ट। इस्लाम के अंदर बताया गया है कि एक किसी को मारना भी गुनाह है। तो जो असली इस्लाम वाले हैं, जो मुसलमान हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो गद्दार हैं, तो उनको हम कभी माफ़ी नहीं देंगे। थैंक यू। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। जय हिंद। अली भाई, इस भरे मन से हेलो, एक भरे मन से जिस तरह से श्रद्धांजलि दी है, हम आर्टिस्ट हैं, हम अपने ही तरीके से अपने जवानों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तो दो लाइन आपसे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरे राह में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वजाद से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम भी आलाएंगे। एवरीबॉडी, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरे राह में जहाँ तक लुटा। आगे 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 शूट कर रहा है। आप तो बंदी हो, एंगल लेंगे, ये देखो इसका एंगल है ना, तो आप देखोगे ना इसका Thank you.